नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आज मुख्य उत्तरप्रदेश से खबर है, जहां मंडल कार्य समिति एवं डाटा प्रबंधन कार्यशाला की बैठक आज स्थानीय डाक बंगला में आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के जिलाध्यक्ष शशिकांत रहे। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को सरल ऐप के बारे में दिशा निर्देश देते हुए जागरूक किया, तो उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आगामी पार्टी के जो भी संगठनात्मक कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा की गई। जो हमारे डाटा प्रबंधन की टीम का विषय है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, सरल ऐप के माध्यम से हमारे सारे कार्यकर्ता डिजिटल भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। जो सबसे नीचे बूथ की इकाई है वह छोटी और सबसे मजबूत इकाई है, वह बूथ कार्यकर्ता सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ने का कार्य करेंगे। भारतीय लोकतंत्र में पिछले दशक में के मध्य से तकनीक का प्रयोग काफी तेजी से बढ़ा है। संचार क्रांति होने से तकनीक की पहुंच अब देहाती क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी तक हो चुकी है। तकनीकी के महत्व को देखते हुए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार करने में जुटी है। डाटा प्रबंधन एवं उपयोग विषय पर आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे ने की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सूचना तकनीक के प्रयोग को लेकर और अधिक जागरूक होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चुनाव में तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तकनीकी ज्ञान में पीछे हो रहने वाले राजनीतिक दल काफी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी नहीं चाहती है कि कार्यकर्ता इस मामले में कहीं से कमजोर पड़े। आज सुनाते हैं कि भाजपा के जिलाध्यक्ष शशिकांत ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी की मंडल की कार्य समिति है जो हमेशा होती रहती है। आज यहाँ डाक बंगले में कार्य समिति आज रखी गई है हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष आदरणीय सुनील पांडे जी के अध्यक्षता में, और आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, जो संगठनात्मक काम हैं, जो आगे विषय है उस पर एक चर्चा, और जो हमारे डाटा प्रबंधन की टीम का विषय है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी का एक सरल ऐप है, सरल ऐप के माध्यम से हमारे सारे कार्यकर्ता डिजिटली भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से एक जीवंत जुड़ने का काम हो रहा है। सारा डाटा उनका वहाँ कलेक्ट हो रहा है सरल ऐप के माध्यम से। हम नीचे हमारी जो बूथ की इकाई है, जो सबसे हमारी छोटी और सबसे मजबूत इकाई है बूथ, वो भी बूथ के कार्यकर्ता सीधे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कनेक्टेड होने का काम करेंगे, और यही हमारा डाटा।